खान है जी। ये 401 रूम नंबर मेरा और मम्मी के नाम पे है, समीरा समीर खान और मोहम्मद सोहेल खान के नाम पे। कौन सी बिल्डिंग आओ बता। ये हम जयंती बिल्डिंग से यहाँ पे आए थे, A1 यूनिटी हाइट्स के अंदर हम लोग का घर है, फोर्थ फ्लोर पे 401 नंबर। और ये रूम सैटरडे को सील कर दिए, सैटरडे से हम लोग बेघर है। अभी यहाँ से वहाँ दौड़ सिर्फ आजू बाजू, मतलब जिसके यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे और रोजा रख रहे। ये तो आप यहाँ रह रहे थे, कैसा सील हो गया? ये सील ऐसे हो गया कि मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा सीवियर है, ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने, तो उन्हें मसीना हॉस्पिटल में हम लोग चेकअप करा रहे हैं। वहाँ पर मतलब उनसे बातचीत चल रही है डॉक्टर से, रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास है उस चीज़ की, मतलब उनकी तबीयत कितनी सीवियर है। उनको इमरजेंसी में ऑपरेशन की वजह से अभी रखा गया वहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन में। इसका मतलब जब वो सील करने आए थे तो आप थे नहीं? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं था। देख के सील कर दिए। सील कर गए वो चीज। इसके बाद आपने उनसे संपर्क किया क्या? हम लोग ने बहुत ट्राई किया उनको, यहाँ तक हम लोग ने जाकर के मिलने की भी कोशिश की, तो हमसे मिला नहीं गया। बोला गया आप जयंती से आए हो, आपका मैटर हमें पता है, हम कुछ जवाब नहीं देंगे, आप कहते आपका रूम में सील खोल लेना। ऐसा कौन कहा? ये यहाँ पर ऑफिस के अंदर, BSUP ऑफिस के अंदर गए थे, अपना गायकवाड़ सर शायद थे, नाम बराबर कंफर्म नहीं है, सालुंगे सर, सालुंगे सागर, सालुंगे सागर, सालुंगे सर जी। आप उनसे मिले थे? अभी कोशिश कर रहे थे लेकिन मिलने को राजी नहीं है, वो बोले नहीं जयंती वालों से मिलने ना बोले। मतलब वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें आए तो क्या अपने मर्जी से आए? यहाँ पर हम लोग को जब 2013 के अंदर बानो कॉम्प्लेक्स गिरी थी, उस टाइम पर हमारी बिल्डिंग जयंती बिल्डिंग को अति धोखादायक की सर्टिफिकेट दी गई थी। हम लोगों के पास हर चीज का पेपर है, जिसके अंदर प्रॉपरली हमें नोटिस आई थी कि आप बिल्डिंग खाली करिए, 40 साल से ज्यादा हो गई है बिल्डिंग की बनकर पोजिशन की, तो आपको ये 40 साल ओवर हो चुके हैं, आपको ये बिल्डिंग खाली करनी होगी, अति धोखादायक है। और उस बेसिस पे हमें नोटिस आई थी। अब हम लोग ने वो टाइम पे रिक्वेस्ट किए थे कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इतने मतलब अफोर्डेबल नहीं कि हमारे कोई दूसरा घर हो, वही हमारा घर है, जमा पूंजी है। तो उन लोगों ने हमें 2013 में कहा गया था कि क्या मतलब आप वर्तक नगर शिफ्ट हो जाइए, हमें वहाँ पर शिफ्टिंग दी गई। हम लोग ने प्रॉपर वहाँ पर जो भी फीस था वो 2000 रुपया रेंट उसका देना होता हमें, हम लोग ने प्रॉपरली पेपर वर्क किया, हमें रूम अलॉट किया गया नंबर वाइज 721 रूम नंबर था मेरा बीविंग के अंदर प्रॉपरली। मैं वहाँ पर पैसा भर के बायोमेट्रिक किया प्रॉपरली, बायोमेट्रिक के अंदर हम लोग ने मतलब वहाँ पर नाम रजिस्टर कराया मैंने और मम्मी ने प्रॉपरली, जाकर के फ़ोटो दिया, हर चीज़ सिग्नेचर हुआ, हैंडओवर लिया गया हमारे से। और फिर उसके बाद में हम लोग ने मतलब वहाँ पर लिया, जब वहाँ पर तो हमें यहाँ पे BSUP में कहते मतलब हम क्रॉस आ गए थे, हमने अपील किया कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें तकलीफ हो रही थी। स्टेशन से थाने का जो वर्तक नगर का था, वर्तक नगर के अंदर उधर माड़ा जो बिल्डिंग है दोस्ती कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हमें वहाँ पे दिया गया था। वो इतना मतलब वहाँ पर अंदर था कि बहुत ज्यादा ही ट्रेवलिंग हेक्टिक थी, मतलब रिक्शा का हमें वहाँ से आपको यहाँ शिफ्ट किसने किया? वहाँ से यहाँ पर हम लोग ने जब अपील किया तो हमें यहाँ पर असीम गुप्ता सर ने अथॉरिटी लेटर दिया गया, कमिश्नर थे वहाँ के असीम गुप्ता सर ने हमें अथोराइज हम लोग को दाखिला पत्र दिया, हमें बोला गया क्या आपको अमाउंट पे करना होगा, 31,500 का मेरे पास रिसिप्ट है उस चीज का, प्लस हम लोग ने मोर देन 6,000 रुपीज कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, लिफ्ट कनेक्शन, ये सब का कनेक्शन का पैसा भी बिल पे किया हम लोगों ने। नहीं तो जैसे कि आपको उन्होंने खुद शिफ्ट किया, फिर क्यों सील मारा, क्यों खाली कराना चाहते हैं आपको? अब वो अचानक से हमें फरवरी के एंड मार्च के एंड में नोटिस आई कि आप लोग की बिल्डिंग कहते स्टेबल है, आप वहाँ पर जाके रहिए और ये रूम खाली कीजिए। 7 साल बाद में आप उन लोग को रियलाइज हो रहा है कि वो बिल्डिंग सेफ है उनके अकॉर्डिंग, विच इज नॉट ट्रू। कितने साल पुरानी बिल्डिंग? वो बिल्डिंग मोर देन अभी 47-48 इयर्स होने लगे, 40 साल तो 2013 के अंदर पार हो चुके थे, 40 साल से ज्यादा हो गए वो बिल्डिंग बन कर के। और अभी 2020-21 के अंदर हमें हमारे पास नोटिस है बकायदा बिल्डिंग की, 10 दिन पहले उस बिल्डिंग के अंदर आकर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला कि अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट अगर स्टेबल ऑडिट स्टेबल रिपोर्ट होती है जो हर जूनी बिल्डिंग को सबमिट करनी होती है बारिश से पहले, उन लोगों ने कहा कि अगर ये नहीं सबमिट कर रहे तो हम आपका लाइट पानी काट देंगे। 10 दिन पहले की बात है, ये मार्च एंडिंग के अंदर आई थी, वहाँ पर आकर के ऑरली उनको बोल कर गया। और वो बिल्डिंग की हमारे पास फोटोज है, आपको चाहिए आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। वो बिल्डिंग इतनी डेंजर कंडीशन में है कि भाल वगैरह जो भी सीलिंग के है वो टूटे हुए हैं, लटके हुए हैं, बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट की पूरी सीलिंग टूटी हुई है पूरी ऊपर से नीचे तक, एंड पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी ओनर नहीं रहता है। जैसा वो बता रहे हैं कि 78 घर है, ये 78 में 13 रूम हम लोग ने खाली कर दिए,
जी, जैसे कि जब से आपसे रूबरू सील हो गया तभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी यहीं पे आजू बाजू वाले दोस्त यार, मतलब जैसे पहचान वाले, तो उनके यहाँ पे नाइट से, मम्मी को तो हॉस्पिटल में रखने का था, इस वजह से हमने वहाँ पर बॉम्बे में हमारे जो रिलेटिव है उनके यहाँ पर जरा रखे है कि प्लीज रख लीजिए घर, यहाँ पे सील हो गया इस वजह से। मतलब ये कि यहाँ पे या तो बाहर सो रहे हैं? बाहर सो रहे, बाहर दिन में यहाँ पर रहता हूँ, नीचे कहना मैं जाता हूँ मस्जिद के बाहर, जगह है वेरेंडा जैसा, तो वहाँ पर ही वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ, सहरी के लिए ऊपर उठता हूँ, आता हूँ, जो आजू बाजू में मिल गया ले दे के खा लेता हूँ, और यहाँ पे इफ्तारी करता हूँ चाली के अंदर। नहीं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है पहले की और अभी की जो भी है वो आप लेके मनपा अधिकारी को मिलिए। हर डॉक्यूमेंट हम लोग ने हर जगह पर सबमिट किया है, यहाँ तक का BSUP के अंदर हम लोग ने 5 बार सबमिट किया है, हमारे पास OC ऑफिशियल साइन है हमारे पास लेटर पे कि हमने वो चीज़ सबमिट कर चुका है। 5 बार सबमिट करने के बावजूद भी अब वो लोग आकर के हमारे नहीं रहने पर आकर के ऐसा लॉक करके चले गए। अब हमारे पास ना खर्चे के लिए कुछ पैसे बचे, बिकॉज जो अकाउंट में था, मतलब जो लास्टली आई थी, मतलब ये मार्च एंडिंग के अंदर ही मेरी जॉब भी छूटी। मैं बिस्किट के यहाँ पे डिलीवरी का काम करता था, बिस्किट वाले के यहाँ पे, तो अब वो डिलीवरी पैसे भी निकाल दिया क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया है, कोई ऑर्डर ही नहीं है उसके यहाँ पे। इसका मतलब कि आप यहाँ रह रहे थे तो आपका कपड़े लत्ते बर्तन जो भी सब अंदर ही रहेगा? सब रहेगा अंदर। और अभी कुछ भी मतलब ऐसी हालत है कि मतलब बस यही कपड़ों के अंदर 4 दिन से घूम रहा हूँ मैं, जो है नीचे पानी वानी चलते हैं, हैंडपंप नीचे सामने ही आपको मालूम है, नीचे हैंडपंप लगा हुआ है कंपाउंड। जी जी ठीक है, वही कंपाउंड के हैंडपंप से हाथ मुंह धोकर के चला ले रहे हैं, और क्या कर सकते। ठीक है ठीक है, आपकी बात जो है हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अधिकारियों तक। हमारे साथ एक और है महिला, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तरी बानो जी। अख्तरी बानो। अख्तरी बानो जी, अच्छा जी, आप कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं। तीसरे वाले रूम नंबर क्या है? 312। 312, तो आपके साथ क्या हुआ फिलहाल? हम अपने लड़के को छोड़ने चले गए थे उसके घर पे, हमारा घर सील कर दिया गया, हम जुम्मा के दिन गए, शनिचर को सील हो गया। अच्छा, मतलब आप कहाँ गए थे? माहिम। अच्छा, माहिम गए थे और गए यहाँ से सील हो गया। सील होने के बाद आपने किसी संपर्क किया अधिकारियों से? जी, कल हम थाना गए थे। हाँ, थाना गए थे सावर के साथ के पास। थाना किससे मिले आप? सागर उनके साहब यही बैठे, हमारे यहाँ के सहायक आयुक्त है जी। बोलिए। ऑफिस में मिले थे उनसे, हमने बोला भी कि सर हम लड़के के घर भी गए थे, हमारा कपड़ा लगता समंदर ही है, बर्तन सत्तर सब कुछ। सर छोटी बच्ची है 7 साल की, उसको मैं वहीं छोड़ के भाग के हैं, अभी भाग के भाग के वहाँ से यहाँ पता चला कुछ नहीं, इंडियन से मैं रोजे पे रोजा तरह के नहीं हूँ, ऐसी चाली दे रही हूँ, यहाँ वहाँ पर कहीं भी कुछ मिलता है खा लेते हैं, अभी तो रोड पर चला लेंगे, अपने में रहने को कोरोना है। नहीं नहीं, तभी ये आपका रूम सील हो गया, आप बता रहे हैं कि इसी बिल्डिंग में 3 माले पे रूम था, तो अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी अभी यहाँ पे रहती हूँ, कोई से किसी से मांग लेती हूँ, जो कभी नहीं करी वो कर रहे हैं सर, मांग के खा रहे हैं इधर उधर से, रोजा अफ्तार जाके ब्रेड लेती हूँ, वहाँ से कच्चा दूध लेके सहरी करके सो जाती हूँ। नहीं तो आप सागर साहब से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको? हमने सवाल रखा उनके पास, जवाब बोला हमने कि हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमने उनको जवाब नहीं। तो नहीं कुछ तो बोले होंगे ना? बोले ऊपर से कार्रवाई करने की आ जा रहा है। अच्छा, क्या कार्रवाई का मतलब? कुछ भी लिखित में कुछ भी नहीं मिला, हम थे ही नहीं हमारा घर से। तो आपके पास डॉक्यूमेंट पेपर होंगे ना? सब हमारे पास हमारे पास आपके पास है ना? अच्छा, आप कौन सी बिल्डिंग से आए थे? हम भी जयंती बिल्डिंग से। अच्छा, जयंती बिल्डिंग से आए थे 7 साल पहले। 7 साल जी, तो आप जैसे दूसरे लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी वही हुआ है ना? जी, आप थे नहीं और आपके रूम को सील कर दिया गया। ठीक है, तो लॉकडाउन लगने से सर हम रुक गए थे, हम फर्नीचर को ही चले, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से हमको टिकट ना मिलने की वजह से डर के मारे हम नहीं आए, हमको आना पड़ गया रात को, हम फर्नीचर इतवार को हम आए, फिर इतवार को आए, तब से इतवार को हम ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जहाँ जब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग का पूरा पेपर रह करके हम लोग का ही हाल हो रहा है, हम लोग रोड पे फिर रहे हैं, जो भी पैसा सारा भरे हम सब पूरा, हम लोग पूरा कम कम पूरा। आपको आपको यहाँ तो खुद महानगर पालिका ने रखी होगी ना? महानगर पालिका हमको थाना से भेजी है, थाना बर्तक नगर से, जयंती से आप बर्तक नगर गए थे? वहाँ भी 2000 रुपए महीने का भाड़ा हुआ 2 साल से। अच्छा, वहाँ से आपको यहाँ शिफ्ट किया गया? यहाँ शिफ्ट किया गया, इसके बाद अभी सील कर दिया जैसे आप बता रहे हैं? अभी सील कर दिया गया।
तो सील कर दिया जिसके हम अभी यहाँ फिलहाल मतलब आजू बाजू में या कहीं सो रहे हैं। अभी से हम यहाँ हैं, बच्चे को अपने हम लड़की के घर पे छोड़ के आए। अच्छा, आपके बच्चों को कहीं छोड़ के आए? बहुत रो रही है, अभी भी वीडियो करी थी, अभी फोटो देख सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है। बच्चे को कहाँ छोड़ के आए? अच्छा, रवि उस समय आप वहाँ पे ही गए थे? रवि लड़की के यहाँ गए थे, वो थोड़ा उसका मेरा घर खाते वाते दिलाना था तो गए थे, रो भी नहीं दमाद, एक दिन रुक गए, सुबह में सब कुछ हो गया। जी जी, जैसे कि आप कुछ कहना चाहते हैं मनपा अधिकारियों के बारे में, जो अधिकारी उच्च अधिकारी उनके बारे में कुछ मतलब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनके लिए रिक्वेस्ट कुछ भी? बहुत परेशान है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए, हम क्या करें, हमारे पास गाँव में 15 दिन से आदमी छोड़ के बैठा है, हम फैमिली वाले हैं, हमारे पास 2 लड़की हैं और वो सब वहीं पे हैं, वो आएंगी रहेंगी यहाँ पे, हम अभी बेबस है, क्या करें। मतलब आपके जितने जो सामान कपड़ा लगता जो भी है सभी चीज़ों के अंदर है, जूठा बर्तन, हमको साइन की टिकट लेना था, हम फटाफट भागते गए यहाँ से, साढ़े तीन बजे हमने साइन वहाँ की धारा साइन की टिकट लिए थे और फिर वहाँ से आने के टाइम देखो 10:30 बजे रात को वहाँ से आए संडे को, ना मिलने की वजह से टिकट, और अभी चाहिए तो हम दिखा सकते हैं पूर्व, हमारे पास है टिकट। चलिए ठीक है, आप मनपा अधिकारी को दिखाइए और जैसे कि हम भी बात करेंगे, आपकी बात रखेंगे उनके सामने। सिर्फ यही है कि मतलब हम लोग जब लीगली आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब हमें मतलब जब हमने जा करके बोला तो कई अधिकारियों से हमें ये सुनने में आया, आपने रूम रेंट पे रखा था, आप थाने वर्तक नगर का भी रूम भाड़े पे चढ़ा रहे रखे हैं, आपने जयंती का भी बिल्डिंग यूज कर रहे रूम, और यहाँ पर भी, तो सर आप जा करके हमारा हर जो रूम हमें अलॉट हुआ है, जैसे मेरा 401 रूम नंबर ये था, आप खोल कर देख सकते, कोई रेंट पर नहीं था, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं खुद था। मेरा 721 नंबर था बी विंग के अंदर, थाने के अंदर वर्तक नगर में, आप वो रूम जाकर के देखिए, मेरे पास चाबी नहीं उस चीज की, अब वहाँ के अथॉरिटीज जो है, जो मतलब वहाँ पे जो मेन सब हैंडओवर कीज हैंडओवर करने की जिनके पास अथॉरिटी है, उनसे जाकर के पूछिए कि वो रूम की चाबी किसके पास है, वो चाबी भी हमने उन्हें सबमिट कर चुकी है, तब हमें ये रूम का अलॉटमेंट लेटर मिला था। उसके बाद में आप जयंती बिल्डिंग जाइए, जयंती बिल्डिंग के अंदर जाकर के हमारे रूम की कंडीशन देखिए, वहां पर हम लोग रह नहीं रहे, हमारी लाइट का कनेक्शन हमने वही टाइम पे डिस्कनेक्ट करवा दिया था, हमारा जो पानी का कनेक्शन था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब हमारे पास कोई मतलब वहां पर रहने का कोई वही नहीं है कि हम वहां पर कोई समय रह रहे। अब हमें जब ये झूठ बोला गया तो हमारे पास तो हर चीज का प्रूफ है, हमारा घर खोल के देखिए ना, हमारे फोटोज आप जयंती बिल्डिंग में देखेंगे ना, लिटरली जयंती बिल्डिंग के अंदर।